सस्ते का जमाना आ गया, सस्ते का जमाना आ गया दोस्तों, सस्ते का जमाना आ गया। सरकार की जय जयकार की जा रही है, खुशियां बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं, डांस करते नजर आ रहे हैं, भगवाधारी हर तरफ अपने मातम जुलूस मनाते दिखाई दे रहे हैं। यही सब कुछ इस वक्त मीडिया चैनल पर दिखाया जा रहा है। सस्ते का जमाना आ गया, प्याज सस्ती, टमाटर सस्ता, अनाज सस्ता, सब कुछ सस्ता। ये टीवी पर आप भी देख रहे होंगे और हम भी देख रहे हैं दोस्तों। ऐसा ही पल्स के निवेशकों के साथ हो रहा है। 8 साल से पल्स निवेशकों को अपने पैसे को लेकर जो इंतजार थी, जो उनकी कठिन घड़ियां थी, उन घड़ियों को भी सस्ते में ले लिया, उनके इंतजार के पल भी सस्ते में ले लिए। तो दोस्तों, 6 करोड़ निवेशकों का 49 करोड़ रुपया जो सरकार को देना है, वह भी सस्ते में टाल रही है। जबकि हम जानते हैं कि 2,500 या 5,000 वालों खातों की कोई संख्या नहीं है, ना ही पास कंपनी में 2,500 और 5,000 के किसी तरह के कोई प्लान इसमें थे। सबसे छोटा प्लान 7,500 का था, चाहे वह FD का हो या RD का हो। तो दोस्तों, 5 या 2,500 वो खाते हो सकते हैं जो निवेशकों ने किसी कारणवश छोड़ दिए हों और उनके बॉन्ड सबमिट कर दिए गए हों, ये वो खाते हो सकते हैं। लेकिन उसकी कोई सार्वजनिक इन्होंने हम लोगों तक बात नहीं बताई, उसको सार्वजनिक नहीं किया कि 2,500 और 5,000 वाले कौन से पैसे दिए जा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि 7,500 से कम का कोई खाता इसमें नहीं था। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये छोटे खाते जो 5,000 या 2,500 के थे, तो इनकी संख्या ना के बराबर है। क्योंकि हमने पिछले 2,500 प्रक्रिया में देखा कि कुल 1,30,000 लोगों को ही पैसा दिया गया। तो दोस्तों, ये सस्ते का जमाना आ गया और सस्ते के जमाने में पल्स निवेशकों के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है आपको पता चल गया होगा। क्योंकि 17 अक्टूबर को 5,000 का प्रोसीजर जो चलाया गया था, उससे हमें यह पता चल गया कि इस वक्त सरकार की नीति पल्स निवेशकों को भी सस्ते में टालने की चल रही है। दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको एसटी न्यूज चैनल से दी जा रही है। अगर खबर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।